हरियाणा पशुधन बोर्ड के वाइस चेयरमैन मेहरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाएगा, इसलिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग किसानों को पशुपालन के प्रति जागरूक कर रहा है। विभाग द्वारा जिला स्तर पर पशुधन प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। पशु प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पशुओं को उनकी नस्ल के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। वाइस चेयरमैन मेहरचंद गहलोत ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए गाय में बछड़ी पैदा करने के लिए प्रदेश में सभी पशु चिकित्सालयों में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सप्लाई किया गया है। इस सीमेंट से गायों में सिर्फ बछड़ी पैदा होगी। ये सीमेंट पशुपालकों को सब्सिडी पर केवल 400 रुपए में दिया जाएगा, जबकि सरकार ने सीमेंट लगभग 1800 रुपए में खरीदा है। कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत नस्ल की गाय पैदा होगी। वाइस चेयरमैन मेहरचंद गहलोत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी पशुओं का डेटा एकत्रित कर पोर्टल पर डालने का निर्णय लिया है। पोर्टल पर प्रत्येक पशु का विवरण होगा। पोर्टल में पशुओं से संबंधित बीमारी और टीकाकरण के बारे में अपडेट भी डाली जाएगी। प्रदेश के पशुओं के बारे में एक बटन दबाकर पोर्टल के माध्यम से जानकारी हासिल की जा सकती है। पशुओं के बीमा करने की योजना की भी शुरुआत कर दी गई है। पशुपालक पशुओं का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पशुपालकों ने उठाया है। परिणाम स्वरूप जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा हेतु ये है कि जितने भी पशुपालक इस जिले में हैं, वो पशुपालक वहाँ आकर अपने आप को सम्मानित महसूस करें। और जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक विषय रखा था बहुत पहले कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, वो किसानों की आय दुगनी जभी होगी जब हम पशुपालन के व्यवसाय को अपनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और उस पशुपालन के व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, इसके लिए हरियाणा सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी अनेक प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने के लिए उनको पुरस्कृत करने का योजना बनाई है। उसी निमित्त ये धतीर में हमारे पलवल जिले की जिला स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें लगभग हम 1,03,800 के आसपास राशि हम वितरित करने वाले हैं सभी पशुपालकों। पशुपालन एवं डेयरी विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर नीलम आर्या ने बताया कि पलवल जिले में हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग किया है। इस सीमन को शोध के बाद तैयार किया गया है। इसका प्रयोग करने में से केवल बछड़ी ही पैदा होगी। उन्होंने बताया कि मुंह खोर और गलघोंटू बीमारी के रोकथाम के लिए पहली बार एक वैक्सीन का प्रयोग किया गया है। जिले में पशुपालकों को पशुपालन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ पशुपालकों को दिया जा रहा है। इससे गर्भाधान करने पर जो बच्चा पैदा होगा, बछड़ा या जो बच गाय का, तो जो भी होगा वो बछड़ी पैदा होगी, बछड़ा नहीं होगा। मतलब पहले तो नॉर्मल सीमन आता है, ठीक है, उसमें दोनों चांसेस होते हैं। तो ये पहली बार पूरे मतलब भारत में हरियाणा पहला राज्य है जो इस तकनीक को लेके आया है। और इसमें पशुपालकों को अनुदान के बाद सिर्फ 400 रुपये में एक जो डोज है इसकी वो लगेगी। ऐसे था कि पहले मुँह खुरपका रोग जिसको बोलते हैं और गलघोंटू, उनके लिए अलग अलग वैक्सीन लगती थी, दोनों की अलग अलग समय पे लगती थी। अभी क्या है कि पशुपालक को भी मतलब इससे जो स्ट्रेस होता था पशु को और पशुपालक को भी दिक्कत थी, चार बार हम उनके घर में जाते थे साल में लगाने के लिए। अब इन दोनों वैक्सीन को कंबाइन करके सिंगल वैक्सीन आई है FMD और HS के लिए, जो कि एक ही बार लगती है, साल में दो बार लगेगी, यानी कि दो बार पशु को मतलब इस टीके से गुजरना पड़ेगा। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसका जो बाद में टाइटर भेजा, तो मतलब जैसे वैक्सीनेशन के बाद इसका टेस्ट होते हैं, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और दूसरा पहला हमारे अप्रैल में हुआ था 2019 में, अब अक्टूबर में फिर से शुरू करने जा रहे हैं 6 महीने बाद। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।